वहां पे अगर वाटर होता तो वो वाटर उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सो हीट कैपेसिटी ऑफ अ जो बीकर, जो हीट कैपेसिटी ऑफ अ कैलोरी मीटर है, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज वाटर इक्विवेलेंट, कि वहां पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर अगर वहां पे प्रेजेंट होता जो सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता। क्लियर बेटा? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ वन मोर थिंग, जो हमने लास्ट में भी एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस करी थी, अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज दिस बीकर इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद योर रिएक्शन मिक्सचर। तो ये अगर आपका थर्मस फ्लास्क है, ये आपका बीकर है, तो बीकर में ही तो वाटर लिया था हमने, या बीकर में ही आज हम देखेंगे कि वी विल बी टेकिंग आर एसिड एंड बेस। ठीक है, तो मतलब मिक्स, वी विल बी मिक्सिंग एवरीथिंग इन दिस बीकर। सो दिस बीकर इज एक्चुअली द कैलोरी मीटर, इट इज एक्टिंग एज अ कैलोरी मीटर। ठीक है, नॉट दिस थर्मस फ्लास्क। ठीक है, द वेसल इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज द कैलोरी मीटर, दिस बीकर विल एक्ट एज अ कैलोरी मीटर। फाइन बेटा, कैन वी मूव? दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी यस मैम। डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, है ना? ओके, सो नाउ वॉट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एंड बोथ द सॉल्यूशंस आर एक्चुअली टेकन एज एक्वस सॉल्यूशंस। नाउ न्यूट्रलाइज, व्हेन यू द एसिड इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, यू नो दैट वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मड एंड वन सॉल्ट इज फॉर्मड, करेक्ट? एंड वॉट इज योर डेल्टा एच? दिस दिस वी नीड टू फाइंड आउट, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। बट यू नो, वेन एवर यू मिक्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, वॉट इज वेदर द हीट इज इवॉल्व और द हीट इज एब्सॉर्ब, इज द हीट इवॉल्व और द हीट एब्सॉर्ब वेन यू मिक्स एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस? क्या होता है बेटा, कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है? एक्सो एक्सोथर्मिक। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट मींस द हीट इज बीइंग इवॉल्व। ठीक है, जब हीट इवॉल्व होती है तो डेल्टा एच का साइन क्या होता है? नेगेटिव। और अगर उसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो क्या है, यहां पे हीट लिखते हो आप। ये डिफरेंस पता है सभी को? अगर एक रिएक्शन है और वहां पे डेल्टा एच लिखना है तो ऐसे आएगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव। लेकिन अगर एक रिएक्शन में ही आपको दिखाना है कि वहां पे हीट इवॉल्व हुई है, तो वो क्या होगा? NaCl एक्वस प्लस वाटर प्लस, यहाँ पे अगर आपको हीट लिखना है तो दिस हीट इज अराउंड लाइक 13.7 किलो कैलोरीज। अगर ये एक्सोथर्मिक, अगर ये एंडोथर्मिक होता, ये एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में हीट आ रही है, एंडोथर्मिक होता तो क्या होता, ए प्लस बी प्लस सम हीट से 50 किलो कैलोरीज और सम हीट, इट इज गिविंग सम प्रोडक्ट सी प्लस डी। और उस टाइम में अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना होता तो डेल्टा एच वो इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, फॉर दिस दिस डेल्टा एच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये बात सभी को पता है? यस मैम, यस मैम। ओके, गुड। सो नाउ वी कैन मूव टू, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज क्यू हीट फॉर दिस रिएक्शन और फॉर एनी रिएक्शन। क्यू इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। And you know that this specific heat of water is
1 calories per gram per degree Celsius, and you can convert the calories to joule by using this expression, that is 1 calorie is equal to 4.184 joules. Correct? Now, this is the same setup which we are going to use as it was for the previous experiment, that you have a thermos flask. Or you can imagine the thermos flask as this cylindrical vessel. You need to place a 400 ml beaker inside it. Thermos flask ke andar rakhna hai. You need to add a stirrer. You need to add a thermometer. And you need to close the lid. Theek hai beta? Now, for doing this experiment, what we need to do is, we have to perform this experiment by two steps, okay? Two parts, or you can say. First, you need to find out the heat capacity of calorimeter, and second, you need to find the neutralization of strong acid and strong base. So why we are doing heat capacity, why we have to perform the same experiment as experiment one, and then we have to move to the second step? It is because every time whenever you go to a lab, whenever you get your apparatus issued, okay? So every time you will get a different beaker, correct? And for a different beaker, the amount of heat absorbed by the beaker will be different. क्योंकि बेटा हर जो आपको जो बीकर है वो सारे सेम नहीं होते लैब में. कोई अलग बैच में खरीदा है, कोई किसी और कंपनी का है. सो देयर विल बी टू थ्री कंपनीज, देयर विल बी टू थ्री बैचेस. उस बैच ग्लास के बैच का अलग अलग ग्लासेस का होगा. देयर विल बी सम डिफरेंस इन द दोस बीकर्स. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सो हीट कैपेसिटी, जब भी आपको हीट कैपेसिटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको मिलता है, तो जो आपको बीकर प्रोवाइडेड होता है उसके लिए आपको हमेशा आपको क्या करना है, हीट कैपेसिटी या वाटर इक्विवेलेंट उसका निकालना ही पड़ेगा. सो फॉर एवरी हीट कैपेसिटी एक्सपेरिमेंट यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलोरीमीटर और बीकर. ठीक है, उस बीकर के लिए आपको वाटर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको एक नया बीकर मिल रहा है. एंड क्योंकि उसका आपको हीट कैपेसिटी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो क्या होगा, जब आप न्यूट्रलाइजेशन जब कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, एंड यू नो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम हीट एनर्जी. ठीक है, आपकी एनर्जी वहां से निकल रही है, हीट निकल रही है. सो सम ऑफ यू नो दैट सम ऑफ द हीट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब बाय द बीकर. सो यू नो कि कितना, और आपका जो टेम्परेचर वो चेंज होने वाला है. सो यू नो बिकॉज द हीट एनर्जी इज बींग एब्सॉर्ब बाय द बीकर, यू शुड नो वॉट इज दी सी और वॉट इज दी हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बीकर. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कैलोरीमीटर. दिस इज फर्स्ट स्टेप, एंड यू नो दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ठीक है, so say one important thing to tell here is, suppose you are doing the neutralization of strong acid and strong base by using 100 ml of acid and 100 ml of base. For this you need to determine the heat capacity using 100 ml of cold water plus 100 ml of hot water, so that the total volume is 200 ml. अगर आपको 200 ml final आपकी volume acid और base की है, तो आपको water equivalent भी उसी amount, उसी volume का निकालना है. Suppose अगर हम यहाँ पे 50 ml acid लेते and 50 ml base लेते, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर इक्विवेलेंट 50 ml कोल्ड वाटर एंड 50 ml ऑफ हॉट वाटर के लिए. व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस बाय अज्यूमिंग से ग्लास की जो बेटा थिकनेस होती है ना, इट में वेरी. ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कि अगर हमारा, हमने वाटर इक्विवेलेंट इतने बीकर, इतनी वॉल्यूम के लिए निकाला है,
तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर भी होगा, सपोज ये वाटर इक्विवेलेंट के लिए है, तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो भी सेम वॉल्यूम को ही, सिर्फ वहां पे सेम वॉल्यूम में ही ऑक्यूपाई हो जाए. ठीक है. सो अगर हमें हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर के लिए हम 100 ml हॉट एंड 100 ml कोल्ड वाटर यानी टोटल वॉल्यूम 200 ml के लिए निकालते हैं, तो सेम वॉल्यूम में ही हमारा एसिड मिक्सचर आए, एसिड एंड बेस मिक्सचर आए, तो हम सेम वॉल्यूम के सेम वॉल्यूम ही यूज करते हैं दोनों में. तो इसकी भी फाइनल वॉल्यूम 200 है, इसकी 200 है, तो इसकी फाइनल वॉल्यूम भी 200 है. अगर ये 100 ml होगा टोटल, तो ये भी 100 ml लेना है टोटल. ये बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट स्टेप इज, सो सपोज एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर निकालेंगे. इसके लिए फर्स्ट स्टेप इज यू टेक अ 400 ml बीकर एंड यू एड 100 ml ऑफ कोल्ड वाटर इन दिस. स्टेप टू, यू प्लेस दिस 400 ml बीकर इन टू योर थर्मस फ्लास्क एंड यू फिट इट विद and you add a stirrer and a thermometer and you close the lid. Now this setup you is already ready. Now what you have to take is you have another beaker, so in that beaker, that is a 250 ml beaker, you have to add another 100 ml of distilled water and you have to heat this 10 to 15 degrees above the room temperature. So actually this cold water is at room temperature. So for example, if this is at 18 degrees Celsius, so this water needs, so you need to heat this water to 28 to 32 or 33 degrees Celsius. Okay. It can be in between any of these temperature. It can be 28.5, 28.3. 33, so maximum is 33 degrees Celsius. 10, so any temperature in between these two temperatures. Fine. Then, now while your water is being heated, you can note down what is the temperature of your cold water for like 3 continuous minutes. Okay. Now there is one thing, actually this temperature you need to note and you have to simultaneously note the temperature of hot water. So this water is actually being heated. ठीक है, इसको हीट कर रहे थे एंड सपोज इसको ही 10 टू 50 यू हैव रीच्ड द टेम्परेचर अबव से 12 डिग्रीज द रूम टेम्परेचर एंड नाउ यू हैव केप्ट दिस ऑन योर वर्किंग बेंच. फाइन. Now you need to note down the temperature for this water also and this water also. But what we have here is, since this water is at room temperature, the temperature is not going to change. Whether you take the temperature for 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, it is going to remain the same. Okay? So once you have taken or you have observed the temperature of 1 or 2 minutes, you know that this temperature is fixed. It is not going to change. So the main focus is you need to keep a focus on this temperature. So the moment you have kept this beaker on the working bench, at that time you insert a thermometer and you start your stopwatch. Okay? यहाँ पे जैसे इसको आप नीचे रखोगे, आप जैसे उसमें थर्मामीटर, टेक योर टाइम, ठीक है, आधा मिनट आप ले सकते हो उसमें, एंड यू स्टार्ट योर स्टॉप वॉच, स्टार्ट द स्टॉप वॉच. नाउ व्हेन यू हैव स्टार्टेड द स्टॉप वॉच, नाउ यू कैन नॉट, यू शुड नॉट स्टॉप द स्टॉप वॉच. अब वो कंटिन्यू चल रहा है, सो यू हैव टू टेक the temperature of this hot water every half minute. So in every 30 seconds, you note down what is the reading of this hot water for continuously 3 minutes. Okay. So for continuously 3 minutes means you will have a reading of 0.5 minutes, 1 minute, 1.5, 2, 2.5,
and 3 minutes. So continuously you have to take the reading for hot water. Now at 3.5 minute, what you have to do, you need to open the lid of the thermos flask and quickly pour this hot water into the cold water which is placed in the beaker inside the thermos flask, and immediately close the lid and you need to stir it. Okay, stir karna hai. Stir karne ke baad at 4 minutes, so you are observing the time on the stopwatch. At 4 minutes, now you have to again note down the reading while you are stirring it. And you have to keep taking the readings for the, you can say, next 3 minutes. So what you have done, if we see the observation table, so first you have noted down the cold water readings, and after that, aapne kya kiya, hot water ki reading lene start kari. You have taken the reading of hot water up to 3 minutes. You have waited for half minute. You have mixed the hot water into the cold water. You have stirred it. And at 4 minute, jo aapka stopwatch pe 4 minute aaya tha, at that time you have started taking the readings for your mixture. That is 100 ml cold water plus 100 ml hot water. Fine. Then you need to plot a graph. And since we have mixed the hot water and cold water at 3.5 minutes, so you need to put a line, and you have to mention this line as time of mixing. Now, suppose for cold water, say here the reading says 25 degrees Celsius or something. Suppose these are the readings. For say this is for half minute, 20, say this is 25 degrees Celsius. And suppose for hot water, the readings are somewhat like this, and it is showing a decreasing trend. And it will show a decreasing trend. Why it is showing a decreasing trend? Because initially you are heating the water, and after heating this, you have placed it on a working bench. So it is supposed to, so the temperature is supposed to decrease. Now it will decrease, na? Temperature decrease hoga ya nahi hoga beta? It will decrease. So now this line, ye wali jo line hai, ye point aapne note kiya tha. ये पॉइंट आपने नोट किया है, ठीक है, मतलब दीज आर द रीडिंग यू हैव टेकन. सो ये जो आप ये जो ज्वाइन करोगे, ये सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है, यूजिंग स्केल एंड शार्प पेंसिल. देन यू नीड टू एक्सट्रापोलेट. यहाँ पे स्केल एक बार रख लिया है तो ये स्ट्रेट ही आएगा, इसको अलग अलग ज्वाइन नहीं करना, इट इज सपोज टू बी स्ट्रेट. जहां पे ये मीट करना है, यू नीड टू रीड दिस टेम्परेचर. सिमिलरली ये 25 है तो ये तो सीधा ही आ जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा डायरेक्ट, और आपका जो मिक्सचर का भी जो होगा वो रीडिंग्स यहाँ पे आएंगी. सपोज दीज आर द रीडिंग एंड इट इज स्टिल डिक्रीजिंग, तो देयर विल बी ऑल्सो 6 रीडिंग्स. दीज रीडिंग्स, ये तो आपका क्या आ जाएगा, सपोज दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है, सो यू नीड टू एक्सट्रापोलेट दिस. सो दिस इज योर टीएम, टीसी, टीएच. ठीक है, नाउ सो फ्रॉम दिस यू नो यू कैन कैलकुलेट दिस सी. सी कैलकुलेट हो जाएगा यहां से वाटर इक्विवेलेंट. यूजिंग द फॉर्मूला विच वी हैव यूज इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, आपके पास है ना. सी क्या होगा यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 100 इंटू टी एच माइनस टी एम
divided by Tm minus Tc minus 100. यही था और वी विल सी इट अगेन. ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. अब आपको वाटर इक्विवेलेंट अपने बीकर का पता है, ठीक है. नाउ यू, आपको बीकर चेंज नहीं करना है बेटा, उसी बीकर में अब अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करना है. यू नीड टू डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द सेम बीकर फॉर विच यू हैव फाउंड आउट द वाटर इक्विवेलेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लेस द बीकर विच वॉज 400 ml बीकर. सो सेम बीकर यू हैव टू प्लेस इनसाइड द कैलोरी इनसाइड द थर्मस फ्लास्क, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर इट कंटेन्स 100 ml ऑफ द बेस NaOH विच इज वन नॉर्मल. ठीक है, वन नॉर्मल ऑफ NaOH, 100 ml NaOH यू हैव टू पोर इन दिस बीकर एंड यू हैव टू place the beaker inside the thermos flask. Then you need to insert the stirrer, the thermometer and the lid, and you close the lid and you note down the temperature for 3 minutes. Second step, take 250 ml of beaker and add 100 ml of the given acid, which is also 1 normal. And note down the temperature for 3 minutes. Okay? Then open the lid of the thermoflask, quickly pour this acid to the base, close the lid immediately, and you will get a setup like this, what similar to what you have got in the previous part. And you need to gently stir this mixture, reaction mixture. After 4 minutes, you need to note down what is the change in the temperature for this mixture for every 30 seconds or half a minute for continuously 3 minutes. So how this look or how this observation table looks like. So for acid, so what is the temperature for continuous? So what you will find is, because this is at room temperature, this is also at room temperature, so their temperatures will not change, but there will be changes in here. Jab aap mix kar doge, because it is an exothermic reaction, so yahan pe kya hoga, temperature change aayega. Yahan pe same hi rahega, acid ka ya base ka jo temperature hoga. Theek hai, is wale procedure aur previous procedure mein kya difference hai? You have not heated the base. इसमें आपने बेस को हीट नहीं किया बेटा, रूम टेम्परेचर पे ही ले रहे हो आप यहाँ पे बेस को भी. ठीक है, if I can show you. So this was the first step. आपने एसिड लिया, बेस लिया, बेस आपको थर्मस फ्लास्क के अंदर रखना है. उसके बाद आपने क्या किया, एसिड लिया, ये भी रूम टेम्परेचर पे, ये भी रूम टेम्परेचर पे. इनके जो टेम्परेचर है उसमें जनरली 0.1 या 0.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो सकता है, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होंगे तब. अदरवाइज दे मे आल्सो बी एट द सेम टेम्परेचर. कोई हो सकता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस ही ना हो, दोनों सेम टेम्परेचर पे लाई कर रहे हो. ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग टू और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन टू टेक हेयर इज, यू कैन नॉट यूज द सेम थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस. Why? Because if you take out this thermometer and you put that in this one, this, so this thermometer may have some amount of base which was sticking on it, and it will go directly to the acid and it will get neutralized. So आपका जो finally जो heat of neutralization होगा उसमें क्या होगा, थोड़े से जो value है वो थोड़ा decrease जाएगी. Why? Because some of the portion is being neutralized here. ठीक है, सो क्या करते हैं, या तो आप इसको दो थर्मामीटर यूज कर लो,
या अगर आपको वन एक सेम थर्मामीटर ही यूज करना है, तो ट्राई कि ये जो थर्मामीटर आप निकाल रहे हो तो इसके ऊपर कोई भी आपका जो बेस है उसकी कोई भी ड्रॉपलेट उसके ऊपर अटैच ना हो. एंड बिफोर पुटिंग दैट सेम थर्मामीटर इनटू एसिड यू नीड टू वॉश द थर्मामीटर थोरोली विद डिस्टिल वाटर. ठीक है, प्रिकॉशन क्या है कि सेम इस बीकर से निकाल के इस बीकर में नहीं रख सकते आप थर्मामीटर. ठीक है, सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज दिस एंड द डिफरेंस इज दैट यू आर नॉट हीटिंग योर एसिड हियर. यू आर डायरेक्टली पोरिंग योर एसिड टू द बेस व्हिच इज केप्ट इनसाइड द थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क को ओपन करना है, एसिड को ऐड करना है और इमीडिएटली आपको यू नीड टू क्लोज द लिड. यू हैव टू स्टर इट वेल, स्टर इट जेंटली एंड यू एट फोर. और आपको क्या करना है एट फोर मिनट यू कैन वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक द रीडिंग फॉर 30 सेकेंड, यानी हाफ ऑफ मिनट के डिफरेंस में लेना है. वन मोर थिंग आई विल एड हियर बेटा, अगर आप इसको टाइम ऑफ मिक्सिंग से भी अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी स्टॉप वॉच को, देखो आप यहाँ पे हमेशा कर सकते हो स्टार्ट, ये सिर्फ समझने वाली बात है. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर स्टॉप वॉच हेयर, यू कैन टेक कंटिन्यूसली रीडिंग्स फॉर योर एसिड और बेस. सो आप बेस की जो ये आपका थर्मस फ्लास्क के अंदर है, ये आपका बेंच पे है, एसिड है, तो आपने उसकी रीडिंग्स ली एट 3.5 मिनट. यू कैन एड दिस एसिड टू द बेस एंड एट फोर आप जेंटली स्टर कर रहे हो और आपने क्या किया मिक्सचर की रीडिंग ले ली. और यू कैन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग यू कैन स्टार्ट योर स्टॉप वॉच एंड यू नो कि आपको आधे आधे मिनट के अंदर रीडिंग लेनी है. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. वाई? बिकॉज जो आपका एसिड और बेस है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट चेंजिंग. वॉटर के केस में क्या हो रहा था, वॉटर गर्म था, ठीक है, इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो इसलिए हमने स्टॉप वॉच यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी और हमने उसको बंद नहीं किया था. एंड यू आर टेकिंग दीज कंटिन्यूस रीडिंग फॉर वॉटर एंड मिक्सचर के बाद ये वाली रीडिंग आ रही थी. ये डिफरेंस समझ में आया? यस मैम. एनी डाउट इन दिस वन, एनी ऑफ द स्टेप्स? किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? Okay, I think I'm not getting any response, so there is no question. So now you have to plot one more graph. So for this experiment, you have two graphs. So you can number this as graph two. You have to write your name and your roll number as told in the previous class. पहले वाले graph पे भी लिखना है, इस पे भी लिखना है बेटा. ठीक है, तो सपोज आपका जो एसिड या बेस जो है आपका, आपके जो दोनों जो रीडिंग्स है बहुत क्लोज आएंगी. सो सपोज ये वाली दो स्ट्रेट और ये स्ट्रेट लाइन आएंगी बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. सो ये आपका एक एसिड और ये आपका बेस जो है उसकी जो दोनों स्ट्रेट लाइन आ गई है यहाँ पे, बिकॉज इट इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज नॉट चेंजिंग. नाउ When you are mixing a acid with a base, तो कैसा reaction है वो? Endothermic और exothermic? Exothermic. It is a exothermic reaction. It का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Heat वहाँ पे evolve हो रही है. अगर heat evolve हो रही है वहाँ पे, तो क्या होगा? किस तरीके का जो आपका जो temperature है वो increase होगा या decrease होगा? It will increase. The temperature is going to increase. ठीक है, so suppose ये अगर आपका suppose A है या B है, ठीक है, कोई भी हो सकता है. so आपको जो mixture का जो आएगा बेटा वो readings आएंगी, वो कहीं पे यहाँ पे आएंगी, मतलब heat evolve होगी. तो पहले तो एकदम से बहुत ज्यादा heat हो गया और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे temperature decrease होगा. इतना ज्यादा decrease नहीं होगा, slight decrease हो, slight आपको इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू पुट अ बेस्ट फिट लाइन
जहां तक आपको वैल्यूज पता होती है वहां तक सॉलिड लाइन, और जहां आपको वैल्यूज पता नहीं होती वो डॉटेड लाइन यूजिंग अ स्केल. एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए ये पूरा. कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिनका में जो बहुत सारी फाइल्स ऐसी मिलती हैं कि ये लाइन स्ट्रेट है और यहाँ पे सपोज एक्सट्रापोलेट करना था, या फिर आई विल ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन एंड आई विल टेल हाउ. सो सपोज ये लाइन यहाँ तक तो स्ट्रेट आई है और जो एक्सट्रापोलेट करना था उसको ऐसे एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. अगर आपके पास एक्सट्रापोलेशन मीन्स इफ दिस इज अ लाइन, इसी लाइन को स्केल को बिना हिलाए यहीं पे इसी लाइन को आगे डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करना. ठीक है. सो व्हेन आई एम सेइंग एक्सट्रापोलेशन मीन्स स्केल वहीं पे रखना है. पहले आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए. ठीक है. सो ये आपको क्या मिल गया, टेम्परेचर मिक्सचर का मिल जाएगा यहां से. इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो कैसी हमारी लाइंस आती, तो हमारी लाइंस इस तरह से आती. सो सपोज दिस इज टाइम ऑफ मिक्सिंग. ठीक है. सो अगर ये हमारी एसिड और बेस की लाइन है, अगर ये एंडोथर्मिक होता तो हमें टेम्परेचर यहां पे मिलता लेस देन दिस. व्हाई? बिकॉज एंडोथर्मिक मीन्स इट इज टेकिंग सम ऑफ द हीट फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है. सो ये एंडोथर्मिक होता टाइम ऑफ मिक्सिंग के बाद. ये एक्सोथर्मिक है तो जो हमारा जो ऑलरेडी जो टेम्परेचर जो था उसके अभाव ही टेम्परेचर आया. क्लियर? सो फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी वेदर योर रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ फॉर कैलकुलेशंस यू नो हीट के लिए Q इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी. यही है बेटा, यही होता है. यस मैम. सो नाउ जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो वी नो फॉर ये आपका क्या है, हीट कैपेसिटी सी आपको कैलकुलेट करना है. सो आपको क्या है, मास क्या था एस, हॉट वाटर 100 लिया था, कोल्ड वाटर आपने 100 लिया था. सो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी मीटर होता है. ठीक है. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सी. जो वी हैव जस्ट रीअरेंज एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सी. और सी की जो वैल्यू होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जो भी आंसर आएगा सी का वो किसमें आएगा, कैलोरीज पर डिग्री. ठीक है. क्यों आएगा कैलोरीज पर डिग्री में, क्योंकि हमने जो वाटर, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जहां पे एस है वो हम किस में रख रहे हैं, कैलोरीज में हम यूज कर रहे हैं. और सी को अगर हमने वाटर इक्विवेलेंट की टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, सी को अगर वाटर इक्विवेलेंट की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, ग्राम्स में आता है. तो लास्ट क्लास में किया था ना, अगर वाटर इक्विवेलेंट की टर्म्स में लिखना है तो ग्राम्स में आएगा. और अगर हमें बताना है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कैलोरी मीटर इज, तो कैलोरीज पर डिग्री में रिपोर्ट करते हैं उसको. ठीक है. नाउ अब हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. सो हीट चेंज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कितना हुआ होगा, एम क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यही था. ठीक है. अब मास कितना है हमारा, 100 ml हमने क्या लिया, एसिड लिया है, 100 ml बेस प्लस सी.
सी क्या है, वाटर इक्विवेलेंट, क्यों वाई वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, क्योंकि उसने भी तो कुछ हीट वहां पे एब्जॉर्ब करी है. अगर वो जो बीकर है या आपका कैलोरीमीटर है, ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उतनी हीट कौन एब्जॉर्ब करता? वाटर एब्जॉर्ब, उतने ग्राम इक्विवेलेंट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता वही हीट. सो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, 200 प्लस सी, जितना आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी, प्लस जो आपके कैलोरी मीटर ने जो हीट एब्जॉर्ब करी. ठीक है, एस क्योंकि हम इसको कैलोरीज में लिख रहे हैं तो वन ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो जो हमारा डाइल्यूशन जो फैक्टर है वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, एंड व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज गिवन बाय जो टेम्परेचर जो मिक्सचर का आ रहा है, ये हमें ग्राफ से मिलेगा, माइनस ये भी हमें ग्राफ से मिलेगा, दैट इज टी ए प्लस टी बी डिवाइड बाय टू, दिस इज अ प्लस साइन. ठीक है, सो चेंज इन टेम्परेचर कैसे मिलेगा, ये रहा टेम्परेचर ऑफ एसिड प्लस टेम्परेचर ऑफ बेस, और ये है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर से माइनस करना है टी ए प्लस टी बी बाय टू. ठीक है, सो ये जो है हमने ये क्या निकाला, व्हाट इज द हीट चेंज. अब हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज द हीट लिबरेटेड व्हेन वन नॉर्मल ऑफ 1000 ml ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1000 ml ऑफ NaOH, यानी 1 लीटर 1 लीटर हम, और लेकिन हमने जो निकालना है वो कितने का निकालना है, सिर्फ 100 ml के लिए निकालना है. इसका मतलब क्या है, अगर इसको जो हमारी वैल्यू आई है उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें 1 लीटर के लिए मिल जाएगा. ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आ जाएगी, जो आपकी हीट निकली है इंटू 10, मतलब इंटू 1000 अपॉन 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा. तो जो भी आपकी क्यू आई है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें. वाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमने निकाली वो 100 ml से निकालनी है, लेकिन हमें चाहिए कि वो 1 लीटर में कितनी है. ये बात समझ में आई है, नहीं आई बेटा? यस मैम. हमने क्या किया है, 100 ml एसिड प्लस 100 ml बेस लिया है, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए 1000 ml ऑफ HCl एंड 1000 ml ऑफ NaOH चाहिए था. सो जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएगा. सपोज मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सपोज हमारा जो C वैल्यू है, आपने जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया उसमें C की वैल्यू कितनी आई है, 20. C की वैल्यू 20 आई है लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में. हम कैलकुलेशन से तो यही आ रही है, 20 तो बहुत हाई है बेटा. इट वाज सपोज्ड टू बी नियरली इक्वल टू 10. आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो कहां पे मिस्टेक है. सपोज 10 है यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग इज सपोज समथिंग लाइक 28 है समथिंग, ठीक है, माइनस, और आपका ये जो दोनों टेम्परेचर थे रूम टेम्परेचर वो से इसका आपका 20 प्लस 20 है या 20 प्लस 19.8 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 210 इंटू ये आप इसको से दिस इज 22, इसको 22 कर लो, सो दिस इज से 21.8, सो ये कितना हो जाएगा, सपोज नियरली इक्वल मान लेते हैं बेटा, ये 21 पॉइंट वैसे होना चाहिए, 21.9 होगा ये. आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये 6.1 ये आएगा.
हाँ जी बेटा यही आएगा ऑलमोस्ट, है यस मैम। ना? सो 210 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6.1 से, तो कितना आएगा? दिस विल बी 21281, और मैं इसको ले लेती हूँ, इसको सपोज 6.6 है, सपोज दिस वैल्यू 6.6, फॉर दिस वैल्यू टू बी 6.6, यस मैम, 128.1। हाँ तो लेकिन इसको बेटा मैं 6.6 ले रही हूँ, सो दिस इज सपोज दिस इज 21.4, एंड फॉर दिस टू बी 21.4, दिस इज से 21.0 एंड दिस इज 21. ठीक है, आप इसको सपोज कर लो ये 21 था, ये 21.4 है, नियरली इट इज 6.4 और 6.5, चलो 21.5 आ गया ये. ठीक है, सो अब आप मल्टीप्लाई करो 210 इंटू 6.5, दिस इज 1365. ठीक है, सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1365. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट इज गोइंग टू बी 13650 कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट. और हम क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड वी कैन सी इट फ्रॉम द ग्राफ, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हम खुद लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन फ्रॉम द ग्राफ बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं? 13.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर रही है. और इसको कैलोरीज को आप कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो? आप कैलोरीज को आपको अगर कन्वर्ट करना है जूल्स में, सो आपको क्या करना पड़ेगा? 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? सो 4.18 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपको जो आंसर है वो क्या किसमें मिल जाएगा? किलो जूल पर मोल में. व्हाई आई एम सेइंग पर मोल? अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन बेस, इसका मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाउ मच मोल इट इज गोइंग टू फर्निश एसिड? इट इज गोइंग टू फर्निश 1 मोल ऑफ एच प्लस आयन. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इट इज गोइंग टू फर्निश 1 मोल ऑफ ओ एच आयन्स. ठीक है, यही होता है ना बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी में ले रहे हो, नॉर्मेलिटी में ले रहे हो तो मतलब क्या है? एक करेगा ना एच प्लस आयन हमेशा. ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर. हाँ जी बेटा, नो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? फर्स्ट ईयर. बेटा नॉर्मेलिटी तो अब मैं मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन लीटर्स. ठीक है, सो क्या हो गया आपका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज गोइंग टू गिव यू 1 मोल ऑफ योर एसिड, एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द बेस. सो व्हाट डज इट मीन?
कि अगर आप इसको, अगर आप चाहो इस वाले पूरे यूनिट को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 4.18. ठीक है, सिर्फ यही बताना था मेरे को. ठीक है, सो यू कैन रिपोर्ट दिस आंसर इन किलो जूल पर मोल, और यू कैन रिपोर्ट दिस आंसर इन किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट, किसी में भी रिपोर्ट कर सकते हो. सो यू कैन रिपोर्ट इट आइदर इन किलो जूल्स पर मोल, और यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट इन किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट. सो रिजल्ट में क्या करना है आपको, यू नीड टू राइट द हीट कैपेसिटी. सो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कैलोरीमीटर इज दिस मच कैलोरीज पर डिग्री, एंड द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज दिस मच. सो द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज दिस मच किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर इन द थ्योरी विच आई हैव नॉट टोल्ड यू, दैट इज व्हेन यू हैव यू आर फाइंडिंग द हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, सो वहां पे एक चीज और आती है कि जब आप किसी भी एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को आप न्यूट्रलाइज करोगे, तो हमेशा डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो सेम आती है. व्हाट आई सेड इज व्हेनेवर यू आर न्यूट्रलाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एवरी टाइम दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज सेम. कैन एनी वन टेल वाई इज इट सो? दैट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये तो इवन बेटा ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास, थ्योरी में क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? सो इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एरेनियस आयनिक थ्योरी. सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस. सो दे आर सपोज्ड टू गिव दिस. सो इफ यू टेक आउट द कॉमन आयन्स फ्रॉम हेयर, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस एच प्लस आयन इज कंबाइनिंग विद ओ एच नेगेटिव आयन टू फॉर्म अ वॉटर मॉलिक्यूल एंड हीट इज लिबरेटेड. सो वेदर दिस एच प्लस आयन इज फर्निश्ड बाय एच सी एल और वेदर दिस एच प्लस आयन इज फर्निश्ड बाय एच टू एस ओ फोर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन एज एच प्लस. कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, चाहे वो एच प्लस आपका कहाँ से आ रहा है, एच सी एल से आ रहा है या एच टू एस ओ फोर से आ रहा है, एच प्लस इज गोइंग टू बिहेव एज एच प्लस. और हम एंथैल्पी में क्या ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं. ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मल सॉल्यूशंस ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग मोलर सॉल्यूशंस, वी आर टेकिंग नॉर्मल सॉल्यूशंस. सो हमेशा जब भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक एच प्लस एक ओ एच नेगेटिव आयन से कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है. वी आर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, सो हमेशा इतनी जो हीट एनर्जी है वहां पे वो प्रोड्यूस होगी. और यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस इंटू कैलोरीज टू जूल्स, और जूल्स में ये होता है अराउंड 57.2 किलो जूल्स. ठीक है, सो फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन दिस वैल्यू इज सेम, बिकॉज एच प्लस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज ओ एच नेगेटिव आयन्स. ये बात समझ में आई सभी को? यस मैम. ओके, सो एनी क्वेश्चंस?
Ma'am, do we have to write the theory that we had covered last time? No, you can write same as previous, but you have to include the theory for neutralization of strong acid and strong base. Okay, ma'am. And the procedure? Procedure is different. You need to include the procedure, beta. For the first step also. Yeah, you just write for first step also, because it is going to take only 3-4 lines, and when you will write, actually you will remember this. That is the only reason I am asking you to write. Okay? Okay, ma'am. You can include it. That is going to include just 4-5 lines, na? So you will remember this. So you, in theory, besides from your calorimeter, you have to now write what is enthalpy of neutralization, ionic theory, and how your formula is changing, which I have given in calculations. है ना कि कैसे आपका formula change हो रहा है इसमें. ठीक है बेटा. Any other doubt? So you have 2 graphs. On both the graphs, you need to write down with pen. You need to include. This is your graph 1. You need to include your name and your roll number. Same for graph 2. You need to include your name and roll number. Okay? Be careful while extrapolating these lines. You have, once you have placed the scale, usko move nahi karna hai. Pehle solid line draw kar lo aur wahin se dotted line draw kar lo. Ye kar lete hai beta, aise nahi karte. The places or the time duration on which you have taken the reading is supposed to be a solid line. The rest is the extrapolated line. Okay, so this finishes your this experiment. I will be sharing with you.